हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस मधुमक्खी को बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम इस मधुमक्खी के पंख को बनाएंगे, वो भी ब्लैक थ्रेड से। और इसके लिए हम धागे की 3 लेयर को इस्तेमाल करेंगे। और इस पंख को बनाने के लिए बैक स्टिच बनाएंगे। सबसे पहले सुई को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इतनी दूरी पर सुई को नीचे ले जाएंगे। इसके बाद जितनी इस टांके की लंबाई है, इतनी ही दूरी से हमें सुई को यहाँ से निकालना है। और यहाँ सुई को नीचे ले जाएंगे। फिर से ही इतनी दूरी पर सुई को ऊपर निकालेंगे और यहाँ से सुई को वापस नीचे ले जाएंगे। और इसी तरह पूरे पंख पर बैक स्टिच को इस तरह बना लेंगे। आपको मालूम है कि इस स्टिच का नाम बैक स्टिच क्यों पड़ा है? क्योंकि कोई भी स्टिच होता है वो पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम पीछे से आगे की तरफ आते हैं, इसलिए इसका नाम बैक स्टिच पड़ा है। और यह टांका बनाने में भी बहुत आसान है, जिसे आसानी से कोई भी बना सकता है। अभी हमारी ये पंखुड़ी बैक स्टिच से बन के तैयार है। इसी तरह हम दूसरी वाली पंखुड़ी को भी इसी तरह बना लेंगे। अब ये वाला पंख बन कर के तैयार है। अब इसके बाद हम मधुमक्खी के डंक को बनाएंगे। इसको बनाने के लिए भी मैंने धागे की 3 लेयर का इस्तेमाल किया है। बस इसे बनाते समय यही एक बात का ध्यान रखें कि जो टांका है वो आउटलाइन पर ही बने, ताकि डिज़ाइन या फिर कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं वो देखने में और भी सुंदर लगे। अभी हमारे डंक बन चुके हैं। अब इसके बाद हम मधुमक्खी के फेस को बनाएंगे। और इसके फेस को बनाने के लिए मैंने धागे की 6 लेयर ली हैं।
अब इसका फेस तैयार हो गया है। अब हम इसकी आँख बनाएंगे इसी धागे से। और आँख बनाने के लिए मैं फ्रेंच नोट बना रही हूँ। इस तरह से धागे को सुई में लपेटा और सुई को यहाँ नीचे ले जाएंगे। अब इसके बाद हम इसके पैरों को और बाकी की बॉडी को बनाएंगे इसी ब्लैक धागे से, जिसमें 6 की 6 लेयर है धागे की। अब इसके बाद इस येलो वाले धागे से इसकी बॉडी को कंप्लीट करेंगे। इसके पंख को बनाने के लिए मैंने इस थ्रेड का इस्तेमाल किया है, जिसमें धागे की 3 लेयर हैं और यहाँ भी बैक स्टिच का ही इस्तेमाल करेंगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इस तरह की मधुमक्खी को आप बच्चों की ड्रेसेस में बना सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। अब ये मधुमक्खी बन करके तैयार है। आपको ये बनी हुई कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।